जिले में कुछ संस्थान कोरोना गाइडलाइन की धज्जी उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला छिपी टैंक स्थित सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, जहां कई कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद डीएम ने स्कूल को 3 दिन के लिए बंद रखने का आदेश दिया था, मगर इसके बावजूद बृहस्पतिवार को डीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाकर स्कूल में बच्चों की जान जोखिम में डालते हुए प्रैक्टिकल कराए गए। दरअसल छिपी टैंक स्थित सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2 टीचर्स, 1 टीचर की फैमिली और हाउसकीपिंग के 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते जिलाधिकारी के बालाजी ने स्कूल को 3 दिन के लिए बंद रखने के आदेश दिए थे, मगर इसके बावजूद बृहस्पतिवार को स्कूल प्रशासन द्वारा डीएम के आदेश को ताक पर रखकर स्कूल में बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया। मामला संज्ञान में आने पर स्कूल में पहुंचे मीडिया कर्मियों को देख कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। बच्चों की जान को जोखिम में डालकर लैब में प्रैक्टिकल करा रहे टीचर्स मीडिया कर्मियों को देखते ही 9-2-11 हो गए। उधर इस मामले में जानकारी करने पर सीएमओ अखिलेश मोहन ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। अभी तक ये मेरे संज्ञान में नहीं था। अगर इस तरह की स्थिति हुई है, कोविड पॉजिटिव लोग निकले हैं और उसमें गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं, ये बहुत गंभीर है। इसके लिए बेसिक्स अधिकारी से द्वारा थ्रू प्रॉपर चैनल पता लगाते हैं, इंक्वायरी करके इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय ने अगर इस तरह का आदेश दिया है तो अगर उन्होंने स्कूल खोला है, गंभीर है तो बहुत गंभीरता से लेके तुरंत बंद कराने के लिए और जो भी इसके लिए जैसे हैंडल करना है, जो भी प्रशासनिक लेवल पे, मेडिकल हेल्थ लेवल पे जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाएगी।